हम आपको उस ब्लैक बॉक्स की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिसे सेना ने कुन्नूर में हादसे का शिकार हुए सीडीएस बिपिन रावत के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से अपने कब्जे में लिया है। हादसा क्यों हुआ, इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने में ये ब्लैक बॉक्स मददगार साबित हो सकता है। आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जिससे ये साफ हो जाएगा कि ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद क्यों हम हादसे की मिस्ट्री से जल्द पर्दा उठने की बात कह रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश ने पूरे देश को गहरा सदमा दे दिया। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 जाबाजों की जान चली गई। और ये सवाल खड़ा हो गया कि दुनिया का सबसे आधुनिक और ताकतवर हेलीकॉप्टर MI-17 हादसे का शिकार हुआ तो कैसे हुआ। ये सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देश के VIP मूवमेंट में खास तौर से किया जाता है। PM नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता और अधिकारी इसका इस्तेमाल करते आए हैं। ऐसे में यह अहम हो जाता है कि जल्द से जल्द इस हादसे के राज पर बड़ा पर्दा उठ जाए और हादसे के पीछे की हकीकत सामने आ जाए। वही सेना को MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का वो ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है जिससे इस हादसे से जुड़े सबसे अहम सबूत मिल सकते हैं। साथ ही पता चल सकता है कि आखिर ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि दरअसल ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है। सुबह 11 बजे के करीब सेना ने ब्लैक बॉक्स को बरामद किया। ब्लैक बॉक्स को FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। हादसे की वजह जानने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। डाटा सुरक्षित रखने के लिए इसे टाइटेनियम से बनाया जाता है। ब्लैक बॉक्स की भीतरी दीवारें मजबूत होती हैं ताकि हादसे में ये सेफ रहे। हेलीकॉप्टर और प्लेन के पिछले हिस्से में इसे रखा जाता है। वही ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है, अब आपको इसकी भी जानकारी देते हैं ताकि आपको भी साफ हो सके कि कैसे ये ब्लैक बॉक्स कुन्नूर में हुए हादसे के राज से पर्दा उठा सकता है। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। विमान की दिशा, ऊंचाई, ईंधन, गति, केबिन, तापमान तक रिकॉर्ड किया जाता है। विमान की 88 प्रकार की जानकारी ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। 25 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड की जा सकती है। 11,000 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये 1 घंटे तक सहन कर सकता है, जबकि 260 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये 10 घंटे तक सहन कर सकता है। आखिरी 2 घंटे की प्लेन की आवाज को ब्लैक बॉक्स रिकॉर्ड करता है। इंजन, इमरजेंसी अलार्म, केबिन और कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड की जाती है जिससे हादसे से पहले विमान के अंदर के माहौल का पता चल जाता है। इन्हीं खूबियों की वजह से ब्लैक बॉक्स का मिलना कुन्नूर हादसे को लेकर बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इससे जो जानकारी मिलेगी उससे ये साफ हो सकेगा कि हादसे से पहले CDS बिपिन रावत के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में क्या कुछ हुआ था। वहीं जमीन पर भी हादसे से जुड़े सबूत जुटाने के लिए सेना की कई टीमें काम कर रही हैं और एक एक चीज को जांचा और परखा जा रहा है। क्रैश साइट से डिटेल्स जमा कर लिए गए हैं और क्रैश साइट से जमा किया गया है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो महत्वपूर्ण राज का पिटारा हो सकता है, जो इस बात के राज खोल सकता है कि आखिरी मौके पर उस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ आखिर क्या हुआ, किस तरीके से उसका संपर्क ATC से टूटा, किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर और उसके पायलट ने फ्लाइट को बचाने के लिए क्या क्या कोशिशें की, किस तरीके से कॉकपिट में आखिरी समय पर क्या बातचीत हो रही थी, ये तमाम चीजें जो इस क्रैश साइट से बरामद किया गया है ब्लैक बॉक्स, उस ब्लैक बॉक्स से निकाली जाएंगी। पूरा देश ये चाहता है कि तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का सच जल्द से जल्द सामने आए और सेना भी इस सच को सामने लाने के लिए तेजी के साथ जुटी हुई है। कुन्नूर से प्रलय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। इस हादसे में 13 जाने गई हैं और अब ब्लैक बॉक्स कई राज खोलेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रात 9 बजे पालम एयरपोर्ट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CTS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि भी देंगे। अहम खबर, अहम जानकारी इस घटना से जुड़ी हुई, जहां अब श्रद्धांजलि देने का सिलसिला कल से ही जारी है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और रात 9 बजे वे पालम एयरपोर्ट जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, PM मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पालम एयरपोर्ट जाएंगे, CDS जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि देंगे।
तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा के लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए। हादसे में शहीद होने की जानकारी मिलने के बाद से पृथ्वी सिंह के परिवार और पूरे शहर में मातम का माहौल है। शहीद पृथ्वी की मां और बहन बेसुध है तो वहीं पिता निशब्द हैं। एबीपी गंगा के संवाददाता नितिन उपाध्याय ने परिवार से बातचीत की। कर्तव्य की बलिवेदी पर शहीद हो गए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान। कल जिस तरह से तमिलनाडु के कुन्नूर में MI-17 चॉपर में जो हादसा हुआ है, उसमें आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए हैं। वो विंग कमांडर थे, बताया जा रहा है कि वही हेलीकॉप्टर चला रहे थे और ऐसे में उनके परिवार में इस समय मातम का माहौल है। चार बहनों में अकेले भाई थे, बहनों के लाडले थे, परिवार के लाडले थे और अब बस यादें ही शेष रह गई हैं। कब आपकी आखिरी बार बात हुई है? बात तो फ़ोन पे करता रहता था, अभी तो हफ्ते दस दिन पहले इसने फ़ोन करा था, बस मुझको बस बात करी थी। राखी पे ही हम सब मिले थे, राखी पे आया था 15 दिन की छुट्टी लेकर के। उसने लास्ट बार राखी बनवाई थी 31 सालों बाद, उसने अपने हाथों पे राखी बनवाई थी 31 साल बाद। हाँ जी, किस तरह से बचपन से ही देश सेवा करने का, किस तरह का उनका जुनून रहा, किस तरह से वो एयरफोर्स में भर्ती हुए? सैनिक स्कूल में गया था, ये रीवा में सैनिक स्कूल से इसने पूरी स्टडी करी थी अपनी इंटर तक। उसके बाद इसने NDA के लिए फॉर्म भरा था अपने आप। NDA में पास आउट होने के बाद एयरफोर्स कब ज्वाइन किया था? एयरफोर्स करा था 2000 में, साल 2000 में एयरफोर्स ज्वाइन। तो कल जब ये हादसा हुआ, आपको कैसे सूचना मिली? मेरी बड़ी सिस्टर बॉम्बे में जो रहती हैं, उनके द्वारा ही मेरे को सूचना मिली थी। 4 बजे उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बताया था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। कज़न ब्रदर भी हमारे साथ हैं, आपके भाई किस हादसे में जान गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको लग रहा है? सरकार को लेकर आज रक्षा मंत्री बयान जारी करने वाले। पहले तो जब हमको ये खबर मिली तो एक बार को तो हमको लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनका नाम बहुत ही कुशल पायलटों में लिया जाता था, जिसकी वजह से उनको 2015 में विंग कमांडर भी बनाया गया। लेकिन जब ये खबर मिली तो बहुत ज़्यादा ही हमें दुखी हुआ। अब देखना ये है कि रक्षा मंत्री इसका कि किस वजह से यह हादसा हुआ। कुल मिला के ये जाँच का विषय है, लेकिन परिवार पूरी तरह से गमगीन है और जिस तरह से आगरा का एक लाल आज पूरे कर्तव्य की बलवेदी पर शहीद हुआ है, तो अब सरकार की तरफ से औपचारिक बयान तो आना बाकी है, लेकिन रो रो कर परिवारजनों का बुरा हाल है और अब पृथ्वी सिंह केवल लोगों की यादों में, लोगों के जहन में ही अब बस एक यादें बनकर ही शेष रहेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP। और नितिन उपाध्याय इस वक्त आगरा से हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। नितिन, ये जो क्षण है, ये जो पल है, ये पूरे देश के लिए बहुत भारी है, बहुत दुखों से भरे हुए हैं, लेकिन परिवार पर क्या गुजर रही है इसका मात्र हम अनुमान लगा सकते हैं, उनके आंसुओं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दुखी उनका मन है। आज पार्थिव शरीर दिल्ली भी लाए जा रहे हैं, परिवार के लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। देखिए, परिवारजन दिल्ली पहुंच गए हैं, एक जो जीजाजी हैं परिवार में वो दिल्ली गए हैं, माँ दिल्ली गए हैं, लेकिन जिस तरीके से सुबह जब हमने उनसे बात की, उनकी माँ से, तो बस वो एक ही शब्द कह रही थी कि मेरे टिंकू को मेरे पास लेकर आओ। टिंकू मतलब पृथ्वी सिंह चौहान के घर का नाम है, घरेलू नाम है, जिस तरह से माँ बाप बचपन में जो नाम रख देते हैं। तो आप समझ सकते हैं, चार बहनों में से दो बहन शाम तक यहाँ आ चुकी थी, कल से एक जो दूसरे नंबर की जो सिस्टर हैं वो आगरा में ही रहती हैं, एक सिस्टर मुंबई में शकुंतला रहती हैं और एक सिस्टर बदायूं में रहती हैं और एक गाज़ियाबाद में। चार सिस्टर हैं, तो उसमें जो नंबर दो की सिस्टर हैं वो कल से ही घर पर मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि चारों बहनों का लाडला था मेरा भाई और ऐसे में अब मैं कलाई किसके बांधूंगी, कलाई पर राखी किसके बांधूंगी। तो आप समझ सकते हैं कि बहन और भाइयों के, भाई के बीच का जो कहा जाए एक बहुत एक ऐसा प्रेम
वो प्रेम अब सदा के लिए चला गया है। चारों बहनों ने अभी हाल ही में जब सहारनपुर से कोयम्बटूर जब ट्रांसफ़र हुआ था तो बीच में कुछ छुट्टियां मिली थी, तो एक साथ रक्षाबंधन पर चारों बहनें इकट्ठा हुई थी, भाई इकट्ठा हुआ था, पृथ्वी सिंह मौजूद थे और एक साथ 31 साल बाद राखी बांधने का सौभाग्य मिला था। और इस बात को जो बहनें हैं वो लगातार इस बात को कहते हुए वो लगातार गमजदा हैं, लगातार जो आंसुओं का सैलाब है वो रुक नहीं रहा है। तमाम चीज़ें, यादों की जो लंबी फेरिस्त है, वो सारी चीज़ें एक एक करके तस्वीर वो सामने आ रही है। अतीत का पन्ना लगातार खुलता जा रहा है, तमाम चीज़ें किस तरीके से पूरा परिवार, चूँकि बीटा ब्रेड करके एक आगरा में एक मशहूर ब्रेड और टोस्ट का काम है, बेकरी का काम है इनके पिता का। दरअसल ये अलवर राजस्थान के नगला तसी के रहने वाले और वहाँ से माइग्रेट होकर आगरा आए। उसके बाद जो पृथ्वी सिंह चौहान के जो ग्रैंडफादर ने ये कारोबार शुरू किया, उनके पिता ने इस कारोबार को आगे बढ़ाया, तो पूरा जो उनके भाई हैं, जिनके ताऊ चाचा तमाम जो लोग हैं वो सब लोग किसी न किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, खासकर बेकरी कारोबार से। लेकिन इनको, पृथ्वी सिंह को इस बात की इज्जत थी कि वो कहीं ना कहीं आर्मी में रहकर, एयरफोर्स में रहकर देश सेवा करना चाहते हैं। उस दरमियान जब फौजी सीरियल आता था तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का ज़माना था और लोग के घरों में, हर घर में एक टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, तो पड़ोसी के घर में टेलीविज़न देख कर उन्होंने जो माहौल है और ये जो दुख है ये सिर्फ एक परिवार का नहीं है बल्कि 13 और परिवार ऐसे हैं